यहाँ पे आने के बाद और आने से पहले कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और रखना चाहिए ताकि हम यहाँ के कुछ लोगों के चक्कर में फंस ना जाए। बहुत सारे इधर स्कैम भी होता रहता है, लेकिन हमने जो फेस किया है हम आपको वीडियो में बताएंगे। बहुत सारा स्कैम होता रहता है ना, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, लोकल टैक्सी वाले हैं, इधर का इतना है, इधर का उतना है, वो सब बता के हमारे पैसे का तोड़बाजी करते हैं। एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले थे हम। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, कश्मीर जाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या रखना चाहिए। तो ये वीडियो का रीज़न ये बनाने का कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे जेब में से चले ना जाए और हम वो कोई चीटिंग का भोग ना बने। तो उसमें है पॉइंट नंबर वन, अगर आप गुलमर्ग में आ रहे हो और गुलमर्ग का जो है फेमस गंडोला राइड के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग होता है, अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं कर पाए हैं तो इधर आके ऑफलाइन भी मिलता है, काउंटर पे भी। लेकिन वो टिकट लेने के लिए आपको जो गाइड रहेगा, कोई ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन बताएगा, वो खुद अपना कमीशन रख के अपने साथ डील करने के लिए बात करेंगे। तो मैं फेज़ वन का आपको बात करूँ, जैसे हमने फेज़ वन ही खाली राइड किया था गंडोला का, तो क्योंकि फेज़ टू था, पहले मैं बता देता हूँ फेज़ वन का और फेज़ टू का दोनों का डिफरेंट है। फेज़ टू है और फेज़ वन, तो फेज़ वन का जो गंडोला जो राइड है, जो पूरा केबिन वो पूरा मिरर से कवर रहेगा और पूरा केबिन के जैसा रहेगा, और जो फेज़ टू है तो उसमें थोड़ा जैसे हम मेले में जा रहे और ओपन राइड में जैसे बैठते हैं उस तरह का फेज़ टू का गंडोला का राइड रहता है। तो उसमें स्नो भी ज़्यादा गिरती है चालू में और ठंडी हवा भी बहती है, तो बच्चे के साथ बैठना थोड़ा मुश्किल था और हम भी नहीं सह पा रहे थे इधर का ठंडी। तो हमने वो फेज़ वन ही खाली का टिकट बुक किया था। तो जैसे मैंने मेरे ड्राइवर के साथ बात किया, तो मेरा जो गाइड लिया था इधर गुलमर्ग में से लोकल गाइड, तो उसने बोला अगर आपके पास टिकट है तो भी चलेगा, नहीं है तो हम बुक करके देंगे। मैंने बोला मेरे पास टिकट तो नहीं है, तो बोला हम आपको ऑनलाइन बुकिंग करके देते हैं। तो बोला चार्ज कितना होगा। एक्चुअली गंडोला का गवर्नमेंट जो फ़ी है वो है 740 पर पर्सन फेज़ वन का जो मैंने किया है, और फेज़ टू का मैंने करीबन मेरे को पता है तब तक उसने बोला था 900 रुपये के आसपास है। फेज़ टू थोड़ा लंबा है और थोड़ा डेंजर भी है, थोड़ा रिस्की भी है बच्चे के साथ जाना, और पहली बार हम इधर कश्मीर में आए हैं तो हमारे साथ थोड़ा रिस्की लगेगा। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास टिकट तो नहीं है लेकिन हम बुक करेंगे। बोला अगर आपको बुक नहीं करना है तो हम बुक करके देंगे, लेकिन 740 प्लस 50 रुपीज़ हमारा बुकिंग करने का चार्ज रहेगा, जो एक्स्ट्रा लगेंगे वो लोग ऐसा बता रहे हैं। उससे अच्छा है वो सिंपल ही है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ से गंडोला राइड बुक करनी है और कैसे बुक करनी है। वो एकदम सिंपल है, उसमें कोई ज़्यादा वो परेशानी वाली और इतना हार्ड भी नहीं है। एकदम डिटेल डालो और ईमेल एड्रेस डालो, कॉन्टैक्ट नंबर डालो, पैसेंजर का डिटेल डालो, और दो स्लॉट, तीन चार स्लॉट रहते हैं, मैं जब गया था अभी दो स्लॉट ही बाकी था, तो स्लॉट वाइज कितने सीट अवेलेबल रहते हैं वो हिसाब से आपको पूरा सीट आपको अलॉट कर देंगे, और उसी टाइम से पहले आपको थोड़े 15-20 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाना रहेगा, और वहाँ जाने के बाद आपको वेरीफाई होगा, टिकट वेरीफाई करेंगे और फिजिकली चेक करेंगे वही बंदा है कि नहीं, और आई डी कार्ड अगर मांगेंगे तो दिखाना है, ऑप्शनल है वो, कभी कभी कभार वो रेंडमली चेक करने के लिए मांग लेते थे, तो उसको दिखाना रहेगा। फिर आपको गंडोला राइड करना है, बहुत मस्त है, लेकिन ये थोड़ा ख्याल रखना है कि पर पर्सन के हिसाब से आप गिनेंगे, तो हम तो चार लोग थे तो 200 रुपये खाली मेरे को ऑनलाइन बुकिंग करने का ही देना रहेगा, एक बच्चा था, बच्चा का भी टिकट था, फिर 250 रुपये हो गया। तो 250 रुपये के बदले में आपको आप खुद ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 250 रुपये आपका फोकट कर जाएगा। अगर आपकी मर्ज़ी आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी करो खुद से, लेकिन जो मैं बताने वाला था मेरे साथ जो हुआ और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और बता दिया। और आगे दूसरा भी है, जब आप गुलमर्ग से टैक्सी करते हैं, मीन्स इधर लोकल का इंजन का टैक्सी रहता है, तो आपको गुलमर्ग का नीचे का जो पॉइंट है वहाँ पे आपको अपना जो श्रीनगर से और कहीं से घूमने के लिए आ रहे तो वो टैक्सी ड्राइवर अपने को गुलमर्ग का नीचे का जो पॉइंट है ना वहाँ पे आपको छोड़ देगा। फिर वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ गई, क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारी जो गाड़ी रहती है ना वो बिना और क्या बोलते हैं उसको, चेन की रहती है, टायर में वो लोग चेन लगाते हैं इधर के लोकल टैक्सी वालों,
और हमारे गाड़ी जो रहती है उसमें चेन नहीं रहती, तो फिसलने का और स्लिप होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और पुलिस वाले भी एंट्रेंस में वो रोकते हैं, चेक करके गाड़ी अंदर जाने देते हैं। इधर लोकल एक टैक्सी का यूनियन का जिसके पास पास रहता है वो लोग ही खाली अंदर जाते हैं। तो उसका हमने जो किराया नक्की किया था, फिक्स किया था डील में, वो था 2500 रुपया, लेकिन उसका गवर्नमेंट का जो है चार्ज वो 2200 रुपया है। फिर 300 रुपया हमको ज़्यादा बोला था, लेकिन हमने फाइनली हमको पता चल गया था, हमने बोला कि भाई 2200 रुपये है, तो फिर हमने 2200 रुपये में हमारा ट्रिप कम्प्लीट करवाया था। तो वो ट्रिप में क्या क्या कवर होता है, आपको होटल से लेके जा रहे पिकअप करेंगे, फिर पूरा गुलमर्ग घुमाएंगे, फिर आप जब घूम लेंगे वहाँ पे सब जो राइड है स्केटिंग और स्कूटर और जो स्लेजिंग वो भी आप कर लेंगे। उसके बाद आप जब वापस आएंगे तब आपको गुलमर्ग का ऊपर के पॉइंट से आपको आपके होटल जो भी है वहाँ पे आपको छोड़ देगा, उसका दोनों साइड का आपका 2200 रुपये में आपको डील होता है। अगर कोई ज़्यादा बताए तो उसके साथ डील करना नहीं है, ये भी एक खास ध्यान रखने वाली बात है।